सोनीपत के राय में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हरियाणा दौरे पर कहा कि अमित शाह ने हरियाणा को किस बात की बधाई दी है। हरियाणा में 78 नौकरियां बाहर की लगी हुई हैं, इस बात की भी दी है या फिर सभी नौकरियां गुजरात में चली गई, इस बात की बधाई दी गई है। दुष्यंत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा के जितने फौजी सेना में शहीद हुए उतने फौजी गुजरात आज तक फौज को नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि जेजेपी का एक ही मकसद है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और सभी युवा 21 तारीख तक भूखे प्यासे रहकर आपको बधाई देकर गए हैं कि उन्होंने हरियाणा के अंदर सबको नौकरी देने का काम किया। वो बधाई क्या अमित शाह जी 78 बाहर के इलेक्ट्रिकल SDO भर्ती करने पर देकर गए या हरियाणा को केवल मात्र 2 की संख्या में छोड़ने पर, या हरियाणा के हिस्से की नौकरियां गुजरात के लोगों को देने पर बधाई देकर गए? अमित शाह जी को यह पता होना चाहिए कि जितने हरियाणा प्रदेश के जवान आज बॉर्डर पर शहीद हुए इतने तो आज तक के इतिहास में गुजरात की धरती ने फौजी भी नहीं दी। हरियाणा की तो वो वीरों की धरती है जो परिवर्तन लेकर आएगी, किसान के कमेरे के अधिकार को वापिस लाकर प्रदेश को समृद्धि के पथ पर चढ़ाएगी। और जो 5 साल में प्रदेश को इनने काटा है, बांटा है, आग लगवाई है, 80-90 लोगों को गोली मारा है, उसका जवाब भी खट्टर सरकार को हरियाणा की जनता देने का काम करेगी।